चेहरा 10 साल तक जवान, टाइट और खूबसूरत बना रहेगा अगर रात में हर रोज इस क्रीम को लगाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन एंटी एजिंग व्हाइटनिंग क्रीम आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस एंटी एजिंग व्हाइटनिंग क्रीम को चेहरे पर लगाकर अगर आप हर रोज रात में सोएंगी तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होगी। जो झाइयां टाइम से पहले ही आपकी त्वचा पर आ जाती हैं वो नहीं आएंगी और स्किन काफी ज्यादा ग्लो करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, मार्केट में मिलने वाली वही क्रीम्स जो कि हम घर पर नेचुरल तरीके से बनाते हैं वो आपको एंटी एजिंग वे में 1000 से 2000 कम में नहीं मिलती अगर अच्छी ब्रांडेड क्रीम हो। लेकिन ये नेचुरल चीजें आपकी स्किन टाइटनिंग में हमेशा हेल्प करती हैं और आपके स्किन को काफी टाइट बनाने के साथ साथ ग्लोइंग और हाइड्रेट भी करती हैं। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों अलसी यानी फ्लैक्स सीड। हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर जो लसलसा पदार्थ होता है वो हमारी त्वचा को काफ़ी ज़्यादा टोन करने के साथ साथ रिंकल्स और फाइन लाइंस पर काम करता है। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा अलसी यानी फ्लैक्स सीड। और इसके लिए सबसे पहले हमें इसका जेल बनाना है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है पैन के अंदर और इसके अंदर मैं डाल दूंगी अलसी, 2 से 3 चम्मच मैं अलसी इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम मीडियम फ्लेम पर जेल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी अलसी को हम जेल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हमें चाहिए होंगे तो वो हम देख लेते हैं। सो डियर, फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस क्रीम के लिए यूज़ करेंगे एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आलमंड ऑयल। अगर आपको स्वीट आलमंड ऑयल मिल जाता है तो आप वही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप आलमंड ऑयल, 20 से 25 बूंदे आप यहाँ पर आलमंड ऑयल डालें। रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करने के लिए आलमंड ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपकी त्वचा को काफ़ी हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्किन की भी भूख होती है, अगर उसकी एनर्जी और उसकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डल, रूखी और बहुत ज़्यादा लूज़ और बहुत ढीली ढीली दिखाई देने लगती हैं। जैसे जब भी हमें भूख लगती है तो हम अच्छी चीज़ें खाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, वैसे ही हमारी स्किन की जो भूख है उसको दूर करने के लिए ये कुछ नेचुरल चीज़ें बहुत इफेक्टिवली तरीके से काम करती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, 2 विटामिन ई की कैप्सूल आपको इसके अंदर ऐड करनी है। एक्सटर्नली जब इसको आप अप्लाई करोगे, रूखी होती है स्किन, डल होती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। तो ये जो क्रीम होगी ये इलास्टिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनल इंग्रेडिएंट है दोस्तों जॉनसन्स बेबी ऑयल। इफ़ यू डोंट यूज़ दिस जॉनसन्स बेबी ऑयल सो यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस, बट मैं इसके अंदर 1/2 स्पून ऐड करूँगी जॉनसन्स बेबी ऑयल, बिकॉज ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली हमारी त्वचा को, रफ कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में हेल्प करता है, ड्राइनेस को दूर करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम देखते हैं अपना अलसी जेल। तो फ्रेंड्स, अभी ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बना है, अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जब इस तरीके से चिपचिपा होने लगे तभी ये जेल बनता है। अभी हम इसको और थोड़ा सा पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए ही मैंने इसको पकाया है, अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से जो लसलसा जो पदार्थ होता है वो कुछ इस तरह से चिपचिपा होने लगता है। तो ये कुछ इस तरह से होने लगा है, तो कंप्लीट ये जो जेल है बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी ये थिक होता है, इसीलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसको हम फटाफट से स्ट्रेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो फ्लैक्स सीड जेल है हमारे पास तैयार हो गया है। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स जब आप इसको करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो टाइटनिंग क्रीम होगी कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। इसको यूज़ करने से आपकी त्वचा से फाइन लाइंस और रिंकल्स तो जाती ही रहेंगी दोस्तों, साथ ही आपकी टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर होगा। ये बहुत ही नेचुरल क्रीम है, साथ ही साथ दोस्तों इसको बनाना भी सिंपल है, बहुत आसान है। जब आप इसको बनाओगे तो सिर्फ आपको 10 या 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे और आपकी जो क्रीम होगी बन करके तैयार हो जाएगी। और हाँ, इस क्रीम को आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेक्सचर अच्छा बनेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा और स्मूथ टेक्सचर इस क्रीम का बन करके तैयार हुआ है।
तो इसको अप्लाई किस तरह से करना है, रात में जब आप सोने के लिए जाते हो चेहरे को वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करना है आपको अपने पूरे फेस में और अच्छे से मसाज करना है। आंखों के आसपास, फॉरहेड और चिन के आसपास आपको नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस का जो प्रॉब्लम है वो आसानी से जाता रहे। आपको बिल्कुल मार्केट वाली जो क्रीम है वो आपको मिली है, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो गई है, बिल्कुल मार्केट वाली जैसी क्रीम होती है बहुत अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से बनी है। तो इसको आप घर पर ज़रूर बनाइए, इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और इसको स्टोर करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। दोस्तों इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, ख़राब नहीं होती, महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। घर पर ज़रूर बनाइएगा इस एंटी एजिंग क्रीम को।